नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तो दोस्तों, आज आपने चुनाव परिणाम देखे। बीजेपी ने एक बड़ी लीड की और विजयश्री हासिल की। अब की बार नहीं बल्कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। हर जगह पर हर हर मोदी हो रहा है, चारों तरफ जीत की बधाइयां कार्यकर्ता और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। खैर, ये सब तो अब चलता ही रहेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी कहाँ हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं राहुल गांधी जी के पास। लेकिन सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि राहुल गांधी अमेठी की सीट हार चुके हैं। इतना ही नहीं, हार की जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देने की पेशकश भी की। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई भी दी है और कहा है कि हमेशा प्यार से जनता को जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी केरल की सीट जीत चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 344 सीटें जीत करके बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वहीं यूपीए की केवल 88 व अन्य को 110 सीटें मिली हैं। हालांकि इन चुनाव में कुछ मामूली फेरबदल हो सकता है, मगर अब तक की हम सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी उनके सामने खड़े थे और हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के दो दिग्गज नेता और चुनाव हार गए हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा से चुनाव हार गए हैं तथा अब तक की विजयी होते रहे हैं। वहीं गुना से ग्वालियर के युवराज ज्योतिराजे सिंधिया भी चुनाव हार चुके हैं और श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव जीत गई हैं। इसके साथ साथ बनारस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। देश की संसद के लिए 12 अप्रैल को 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुआ और अब 23 मई को 8 बजे से मतगणना जारी है। अधिकांश स्टेशनों पर मतगणना पूरी हो चुकी है। इसके अलावा केवल जिन स्थानों पर कांटे की टक्कर चल रही है वहाँ पर मतगणना अभी जारी है तथा 24 घंटे तक सभी सीटों का चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। राइट। रणदीप जी, वेल कविता, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, लेट मी जस्ट पॉइंट आउट टू यू दैट बोथ ऑफ देम हैव जस्ट एंटर्ड डिफरेंट They walked down and I was on the way, on their way, and I asked both of them to respond to these results. Namaskar, dosto. Take the responsibility. While Rahul Gandhi looked and... Hello. Hello. Can we have a little silence, please? Namaskar, dosto. Main aadarniya Congress adhyaksh Shri Rahul Gandhi ji, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रांगण में और विशेष पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपनी बात अब आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी, मैंने कैंपेन में कहा था कि जनता मालिक है और जनता ने आज क्लियरली अपना डिसीजन दिया है। उसको भैया थोड़ा माइक को देख लीजिए। तो मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट्स जो लड़े, पूरा दम लगा के दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। दो अलग अलग सोच हैं, एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। दो अलग विजन्स हैं, मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके कोई सवाल हो? That we will have a meeting of the working committee and they will decide that there.
can you know you can't continue that, to do this. That you can leave between me and the working committee if possible. Mr. Phukan from the Hindu. Can you sir let him ask? There is somebody who's already asking. Frankly, today, with all due respect, today is the day of the mandate, and I don't want to color the decision of the people of India by getting into a long conversation with you about what I think went wrong. Frankly, today, it doesn't matter what I think went wrong. What matters is that the people of India have decided that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. Arun Singh. देखिए आज ही चुनाव खत्म हुआ है, आज ही रिजल्ट आया है, तो मैं इस पे आज टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपको, और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं घबराओ मत। लास्ट क्वेश्चन भैया। आदेश सेंट परसेंट जिम्मेदारी लेना। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं, ये लोकतंत्र है, और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें, जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। और मैं अब अंत करना अंत में कहना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबा कैंपेन था और उसमें मैंने एक लाइन रखी थी, मेरी लाइन थी कि मेरे ऊपर जो भी गलत शब्द प्रयोग किए जाए, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किया जाए, मैं प्यार से रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं वो कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ वापस प्यार से बोलूंगा। ये मेरी फिलॉसफी है। देखिए आज मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत बाद में बहुत समय है। आज मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। अब सबसे पहले आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वन सेकंड, आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इस देश के प्रेस हो, आपने चुनाव में काम किया, आपने अपनी पोजीशन रखी, इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया मुझे निकलना है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मैं देखिए आई कैन आई आंसर। सी टुडे इज प्यार कभी नहीं हारता है, प्यार हारता नहीं है। I want to say that today is not the day for me to go into the details of this mandate. Today is the day that a new prime minister has been elected, and today is the day to wish him all the best, and to hopefully he will look after the interest of this country. Thank you very much.